दोस्तों आप सबके दिमाग में आता होगा कि यूनिक सिविल का कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिक सिविल कब स्टार्ट हुआ और यूनिक सिविल कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती होंगी। तो आज इन सब सारी चीजों को मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग यानी आप और हम सब। दोस्तों आप अब हमसे जुड़ सकते हैं, अब हमने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्टिंग में जो अपने स्ट्रगल में सीखा, स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि मैं एक बी ब्लॉग वाला जो हमारा आकाश पांडे बी ब्लॉग का चैनल है उसमें एक दिन डिस्कस करूंगा, आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा अपने स्ट्रगल के बारे में। मैंने स्ट्रगल के दौरान बहुत कुछ सीखा, कहते हैं ना कि ठोकरें बहुत कुछ सिखाती हैं, तो मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत से सॉफ्टवेयर सीखे, बहुत से सब्जेक्ट सीखे, जो हमने थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा की वो सारे नॉलेज हमारा यहाँ पे देने का फिक्स एम था कि हम इसको नॉलेज को यहाँ पे देंगे। एम हमारा बस इतना था कि ऐसा कंटेंट देंगे जो हमारा यूनिक कंटेंट होगा, मींस कंटेंट इन द सेंस कि मैं दूसरे का वीडियो देख के आपको कंटेंट बताऊं, बिल्कुल भी हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने जो स्ट्रगल किया है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज मैं आपको शेयर करता हूं। आप भी देखते होंगे ऐसा कंटेंट किसी भी इंजीनियरिंग चैनल में, सिविल इंजीनियरिंग चैनल पे आपको नहीं मिलता होगा। अब दूसरी चीज, हम लोग क्या क्या देते हैं, तो दोस्तों मैंने लगभग 13 सॉफ्टवेयर्स को अच्छी तरीके से सीखा है, जिसमें से 8 to 9 सॉफ्टवेयर मैं डेली यूज करता हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 8 to 9 सॉफ्टवेयर मेरे स्ट्रक्चर के मैक्सिमम और BIM के सॉफ्टवेयर मैं मैक्सिमम यूज करता हूँ डेली। तो जो मैंने यूज किया है, जो मैंने बुक्स पढ़ता हूँ, वो सारी चीजें हम लोग इस चैनल पे शेयर करता हूँ। मैं खुद भी किताबें पढ़ता हूँ, उसके बाद भी आपको कंटेंट देता हूँ, और कुछ चीजें जब मैं प्रोजेक्ट करता हूँ नई नई चीजें, कल एक रैबिट में मैंने नई चीज सीखी वो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तो वो सारी चीज जो मैं सीखता हूँ वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। इसके साथ हम लोग और क्या करते हैं इस चैनल पे हम लोग हर एक सॉफ्टवेयर के साथ हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते हैं, और इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो बताऊंगा क्यों कभी एक दूसरे वीडियो में। तो इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती है उसकी सारी लिस्ट हमारे पास होती है कि अच्छा ठीक है ये सारी पूछी जा सकती है, ये पूछी जा सकती है, ये सारी चीजें भी हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। अब इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको एक्सटीरियर डिजाइन चाहिए होती है, इंटीरियर डिजाइन चाहिए होती है, वास्तु के अकॉर्डिंग प्लानिंग चाहिए होती है, स्ट्रक्चर की डिजाइन चाहिए होती है, एस्टिमेशन चाहिए होती है, वो सारी चीजें भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट राइटिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि कंटेंट राइटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप सबका हेल्प करता हूँ। मीन्स मेरे साथ कई लोग कनेक्ट हैं जो इस काम को करते हैं, इवन हमारे पास अभी वीडियो डिजाइनिंग मीन्स वीडियो एडिटिंग के लिए भी लोग हैं, लोगो डिजाइनिंग के लिए भी हम अच्छे अच्छे लोगो तैयार कर सकते हैं, उसके अलावा SEO के भी लोग हैं। ये सारी चीजें हम लोग के आपके ही लोग हैं, मीन्स आप सभी मेरे से जुड़े हो, और जो भी मेरे पास काम आता है मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि देखो यार ये काम है आप इसको कर लो, क्योंकि मैं अपना दूसरा काम, मेरा स्ट्रक्चर का काम है, मेरा ट्रेनिंग का काम है, तो मैं इन कामों में ज्यादा बिजी रहता हूँ, बट ये लोग जब काम को करते हैं इसमें जब उनको हेल्प की जरूरत होती है तो डेफिनेटली मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करता हूँ कि देखो इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब आप भी मेरे से जुड़ सकते हो, अगर आपके पास किसी भी चीज का एक्सपर्टीज है, मीन्स आपको बहुत अच्छे से बिल्डिंग डिजाइन करना आता है, बहुत अच्छे से वाटर टैंक डिजाइन आता है, तो नीचे इस वीडियो के कमेंट करना कि सर मेरे पास ये स्किल है, अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा। आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर शेयर करिएगा, मैं एक एक्सेल शीट बनवा दूंगा, उसमें आपका काम, आपको जो भी काम आता है नीचे शेयर कर देना, और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर शेयर करना, मोबाइल नंबर वो जो चलता रहे, सो देट कि अगर हमारे पास उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आता है तो डेफिनेटली हमारी टीम आपको कॉल कर देगी कि सर ये ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर आपको करना है तो आप जो जॉब कर रहे हो करो, अपने जॉब को कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब के साथ आप इसको पार्ट टाइम में कर सकते हो। तो ये चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ना केवल मीन्स जो जॉब कर रहे हैं, इवन जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए हम लोग कंटेंट राइटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं सर हमको कंटेंट लिखने हैं, और ये कंटेंट ना केवल सिविल का, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जिसकी भी डोमेन का कंटेंट लिखने के लिए आता है। तो जो इंजीनियरिंग के लड़के हैं जो अभी ऑलरेडी सीख रहे हैं, मान लो स्ट्रक्चर आप सीख रहे हो, ठीक है, अब स्ट्रक्चर में आप बीम डिजाइन कैसे करोगे, इसके लिए कंटेंट लिखने के लिए लोग करते हैं। अब आपने ऑलरेडी कॉलेज में सीख रखा है, आपको केवल क्या है उसको टाइप कर देना, आपका रिवीजन हो गया और उससे आपको थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया, अपने आपको पॉकेट मनी भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें मेरे थॉट में किया था, तो मैंने इसको स्टार्ट किया और काफी हद तक आप लोग इसको कर रहे हैं। मैं डेली एक ब्लॉग भी लिखता हूँ unixsivil.com पे, आप वहां पे जाते होंगे डेली कुछ ना कुछ आपको नया कंटेंट मीन सिविल से रिलेटेड नया कंटेंट आपको मिलता होगा। मेरा जो थॉट ये है कि मैं जो भी करता हूँ मीन्स आपको जो भी शेयर करता हूँ उसको पहले मैं सीखता हूँ, शेयर अपने अंदर शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मैं आपको कैसे, और मेरा बस यही कॉन्सेप्ट है कि डेली कुछ ना कुछ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नया सीखो,
ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और काम के लिए, सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए। डेली मैं नया सीखता हूँ, जो भी नया सीखता हूँ उसका निचोड़ जो भी रहता है वो मैं आपको unixsivil.com पे डेली शेयर करता हूँ। ये सारी चीजें यूनिक सिविल टीम करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे यहाँ पे अपना कमेंट करिएगा, साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि आप कौन सा काम अच्छे से कर सकते हो, जो भी काम आपको आता है, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई काम आता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे कोई काम सीखना है, तो भी नीचे कमेंट करना कि सर मुझे सीखना है, मेरा ये ईमेल आईडी और ये मेरा मोबाइल नंबर है, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि सब कुछ मैं सिखाऊं, स्ट्रक्चर ऑफ BIM सीखना है तो डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा, और दूसरी चीज सीखनी है तो उसके लिए अलग अलग लोग हैं जो आपको सिखा भी देंगे। और ये सिखाना हमारा ऐसा है कि हम लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले माइंडेड वाले लोग नहीं है कि हमको सिर्फ पैसे कमाना है। यूनिक सिविल मैंने पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं खोला है, मैं आपको इसे बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए खोला है। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं पैसे के लिए खोलता तो मैं एक बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकता हूँ। आप इसको आइडिया लगा सकते हो, मैं अगर एक इंस्टीट्यूट खोलूँ, एक सॉफ्टवेयर सीखूँ तो सिखाऊं मैं, तो 20 से 25 हज़ार रुपए लोग मुझे ऐसे ही दे देते हैं, तो वो तो मैं कर सकता था, बट वो मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि मुझे अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, और कैसे, आपको शेयर करके अपना नॉलेज। मैं आपको जब अपना नॉलेज शेयर करता हूँ तो आप कमेंट करते हो कि सर मुझे ये चीज़ सीखना है, मुझे ये चीज़ सीखना है, मैं उसको पढ़ता हूँ, मुझे क्वेश्चन मिल रहे हैं, और उसी वजह से हमारे यूनिक सिविल अभी आप लोग के सपोर्ट से चल रहा है। हाँ, इसके साथ जो मैंने बी ब्लॉग खोला है, मीन्स आकाश पांडे बी ब्लॉग खोला हुआ है, और एक आकाश पांडे करके चैनल है हमारा, उन दोनों चैनल का मोटो है कि हम इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वहां से जो भी मनी आए उसको यहाँ पे लगाते जाएं। क्योंकि देखो यार, वीडियो एडिटिंग में कर नहीं सकता पूरा, कंटेंट राइटिंग में पूरा कर नहीं सकता, SEO में पूरा कर नहीं सकता, इनके लिए जो भी पैसे लगते हैं मैं उधर से थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा कि उधर से कुछ आ जाए और इस पे आ जाए। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आकाश पांडे बी ब्लॉग और आकाश पांडे का जो चैनल है न्यूज चैनल जो है, इन दोनों को आपको शेयर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ शेयर कर देना है। उससे फायदा बस इतना होगा कि आप बिना किसी कॉस्ट के यहाँ पे सब कुछ सीखते जाओगे, मींस जो भी आपके पास क्वेश्चन आंसर है वो सारी चीज सीखते जाओगे। और जो भी अगर आपको कुछ पर्सनली सीखना है या तो ऐसा कि ऑनलाइन सीखना है, उसके लिए जो भी पैसे रहते हैं बहुत ही एक लोएस्ट जो भी प्राइस रहती है वो प्राइस हम लोग देने की कोशिश करते हैं। आप सब ने जिसने भी इंक्वायरी लिया होगा उनको पता होगा कि हमारा मोटिव ही नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि हम नॉलेज से कमा सकते हैं और भी जगहों से, स्टूडेंट से कमाना हमारे लिए मेरा मोटो ही नहीं था। मेरा मोटो सिर्फ ये था कि जो मैंने झेला है वो आप न झेलो, क्योंकि आप सबको बोला गया था कि इंजीनियरिंग का डायलॉग, मुझे भी बोला गया था इंजीनियरिंग कर लो बड़ा स्कोप है, बट जब मार्केट में आया तो इतना क्राउड था तो मैंने कहा इसमें यार यूनिक कैसे बनाया जाए लोगों को, इसमें लोग आगे जाके गल्फ कंट्रीज में जाके, उसके बारे में मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग कंट्रीज में भी जाके पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, छोटी छोटी सिटी में अपने घर के आसपास ही छोटे छोटे घर बना के छोटे छोटे काम करके कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब यूनिक चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी तो पक्का है कि आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बस यही मेरे चैनल का मोटो है। अब इस मोटो को आप जितना लोगों तक शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको बहुत बहुत थैंक यू होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही अभी 7K लगभग सब्सक्राइबर हो गए, आगे हो सकता है 70K के होंगे, हो सकता है 7 मिलियन होंगे। थॉट बड़ा रखो, कभी ना कभी अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, साथ ही साथ में बोल दूंगा लास्ट में भी कि आपके पास जो कॉलम काम का नॉलेज है, काम का नॉलेज लिखना, ईमेल आईडी लिखना और मोबाइल नंबर लिखना, मैं आपको पूरा एक्सेसिव बनवा दूंगा, जो भी काम आएगा डेफिनेटली मैं आपको कॉन्टेक्ट करेगी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और एक फैमिली की तरह एक दूसरे को शेयर करके काम कर सकते हो। हाँ, एक और बोलना चाहूंगा, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपके पास पर्सनल प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में आपको कोई किसी गाइड की जरूरत है, तो उसके लिए आप ईमेल पे हमारे कर सकते हो कॉन्टेक्ट, या व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आपका प्रोजेक्ट है तो मैं उसको आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि वो हमारा खुद का काम है। तो ऐसे हम लोग एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे एस्टिमेशन करना है बट मुझे आता नहीं, कैसे करना है, प्रोजेक्ट ले लूं क्या? आप ले सकते हैं। इंटीरियर करना है सर आ नहीं रहा है, ले लो प्रोजेक्ट, मुझे बता दो कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है। इस तरीके से सब लोग मिलकर अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग इनकम कर सकते हैं। और क्या अभी लोगों के दिमाग में क्या होगा कि नहीं मैं ही पूरा करूंगा, ऐसा नहीं होता है। पूरा अगर काम मैं करने लगूं तो मैं ही काम नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा दिमाग यही कि हम लोग शेयर करके काम को करें। तो वीडियोस पे आप प्लीज सपोर्ट करते रहिए, और साथ ही साथ आकाश पांडे और आकाश पांडे बी ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आप उसको अगर सब्सक्राइब करोगे तो वहां का जो भी इनकम आएगा वो मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ। और मैक्स्योर यही कोशिश करूंगा कि आपसे कभी भी चार्ज न लिया जाए, कम से कम चार्ज में आपको ज्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।